लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। समझाना क्या है ये हीरोइन? मस्ती का पाउडर। इधर के कॉलेज के लड़का लड़की को मस्ती में डुबो देने का, समझाना? जी। एक महीने के अंदर अंदर ये सबको मस्ती में डुबो देने का है। इसके बाद अपना मार्केट इधर बनेगा। एक महीने तक इसे फोकट में देने का है। आदत पड़ जाएगा तो खुद ब खुद पैसे लेकर आएगा और चोरी कर कर लाए या डाका डाल कर लाए, मगर लाएगा और ये मस्ती का पाउडर खरीदेगा। समझा तुम लोग? चल पकड़। ए लेना, लड़की के माफिक शर्माता है क्या? खर्चे पाने के लिए और ऐसा माल मिलता रहेगा। अपना काम सही ढंग से करने का, माल बिकेगा तो कमीशन भी मिलेगा और नहीं करेगा तो जाना। चलो अभी फूटो तुम लोग इधर से, अपुन अगले हफ्ते फिर आएगा। चलो चलो अपुन अभी चलता है। ऐसे कैसे चले जाएंगे मियाँ? ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमसे मिले बगैर चले जाएंगे आप? कौन है ये? जी वो ये हम इनके हिंदी के प्रोफेसर हैं। नमस्कार नमस्कार। अरे आप लोगों ने हमारे नमस्कार का जवाब नहीं दिया। देखो हमने तो आपको बता दिया कि हम कौन हैं, लेकिन आप लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह इंसान हैं, है ना? आप इंसान है ना? इंसान है ना? आप भी है ना? हाँ, हमें बहुत कुछ पता है, सब कुछ पता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हटिए। हम तो ये भी जानते हैं कि ये जीप है ना? है ना जीप? और ये जीप का कैरियर है ना? हाँ, और ये जीप का दरवाजा है ना? हाँ, और ये देखिए ये ब्रीफकेस है ना? ब्रीफकेस। हाँ, और ये ब्रीफकेस के अंदर संसार का सबसे जहरीला हीरोइन है, हम जानते हैं। तो तुझे सब कुछ पता चल गया? हाँ हाँ, और अब इस ड्रग्स का पता चल जाएगा सबको। हम उन छात्रों को बता देंगे जो हमारे साथ आए मगर छुपे खड़े। अरे छात्रों आओ आओ, जल्दी आओ, देखो इनके पास क्या है। इनके बैग में हीरोइन है, ड्रग्स है। आओ आओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना तुम्हारे प्रोफेसर का भेजा उड़ा दूंगा। जानते हो ना क्या ये? अरे हम जानते हैं, ये तो बंदूक है और ये बंदूक के अंदर की गोली है। हाँ हम जानते हैं, ये भी जानते हैं। ये तुम रखो, ये हम रखते हैं। नहीं, ये तुम रखो, ये हम रखते हैं। अरे छात्रों, ये तुम्हारे हवाले, बंदूक हमारे हवाले। आओ जैसे स्टूडेंट अगर हर कैंपस में रहे ना तो ये लोग यूं ही भागते फिरेंगे और फिर कभी किसी कॉलेज कैंपस को अपना मुंह तक नहीं दिखाएंगे। अब आप लोग ऐसा करिए, अपनी अपनी कक्षा में जाइए, हम इस बैग को पुलिस को देकर आते हैं, ठीक है? अब आप लोग जाइए आप लोग जाइए। सर ये पैकेट। हाँ ये भी दे दो, हाँ ये भी दे दो। अब आप लोग जाइए जाइए आप लोग। वेरी गुड। क्या एक प्रोफेसर की वजह से तुम्हें वहाँ से भागना पड़ा? कौन है वो प्रोफेसर? कौन है वो प्रोफेसर? गंगाधर, वो बहुत ही खतरनाक था और अपन सबको उधर से बाहर ले आया। शक्तिमान,
यहाँ कहाँ से आ गया? हेलो, न जाने शक्तिमान हमारे सामने अचानक कहाँ से आ गया है? पता नहीं शक्तिमान को कैसे पता चल गया आप उनके बारे में। उसके हाथ में वही ब्रीफकेस है जो अपन से कॉलेज में छूट गया था। क्या? वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। सबूत छोड़ना हमारी फितरत में नहीं। मीटिंग का वक्त हो गया है, वैसे ये बात साहब को अच्छी नहीं लगेगी। चलो। शक्तिमान, ये ब्लास्ट कैसे हो गया? किसने किया ये तो नहीं मालूम, मगर वो जो कोई भी है वो नहीं चाहता था कि मैं इन लोगों तक पहुंचूं। खैर ये बैग लो, इसमें ड्रग्स हैं। ड्रग्स? हाँ, ये इन लोगों के हैं। लेकिन ये लोग कौन था? ये ड्रग्स माफिया के लोग थे, मगर बहुत ही नीची श्रेणी के थे। इन लोगों को जो कोई भी नचा रहा है जरूर वो कोई शातिर दिमाग का है। साहब के आदमियों तक कैसे पहुंच गया वो? सालों से शहर में हमारा काम चल रहा है, मगर आज तक कभी किसी ने हम पर शक नहीं किया था। फिर आज अचानक शक्तिमान हमारे आदमियों तक कैसे पहुंच गया जोरा, कैसे? लेकिन साहब, शक्तिमान हमारे आदमियों से कुछ पूछ पाता उससे पहले मैंने जीप के साथ अपने आदमियों को उड़ा दिया। हमारा सवाल फिर भी वही है जोरा, कि शक्तिमान को साहब के आदमियों के बारे में कैसे पता चला? पता नहीं साहब, मेरी हैरी से मोबाइल पर उस समय सिर्फ इतनी ही बात हुई कि जो ब्रीफकेस शक्तिमान के पास था वो ब्रीफकेस कॉलेज के किसी प्रोफेसर, क्या नाम था, गंगाधर, हाँ प्रोफेसर गंगाधर ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हैरी से वो ब्रीफकेस छीन लिया था। जब ब्रीफकेस छीनने वाला कोई प्रोफेसर था तो फिर उस ब्रीफकेस को लेकर शक्तिमान हमारे आदमियों तक कैसे पहुंच गया? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हमें इतनी बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि शक्तिमान की नजरों में हमारा ग्रुप आ गया है और ये बात हमारे लिए खतरनाक है। ये बात शक्तिमान के लिए ज्यादा खतरनाक है जोरा। अगर हमारा गैंग शक्तिमान की निगाहों में आ गया है तो शक्तिमान भी साहब की निगाहों में आ गया है। साहब कभी बिना बात के किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई साहब के रास्ते में आ जाए तो साहब उसे छोड़ता नहीं। लेकिन साहब, शक्तिमान आम आदमी नहीं है, हम जैसे लोग चाहकर भी उसे टक्कर नहीं ले सकते। खामोश। साहब को बुजदिली की बातें पसंद नहीं है। तुम लोगों ने आज तक कभी मेरी शक्ल नहीं देखी, क्या तुम्हें साहब की ताकत का अंदाजा नहीं? एक शक्तिमान तो क्या, अगर 10-10 शक्तिमान भी आ जाए तो साहब उनसे अकेला लड़ सकता है, अकेला।